देखिए, अफगानिस्तान से जो इंडियन डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करने की कहानी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और उसके थोड़े थोड़े डिटेल्स अभी निकल के आए हैं। हालांकि जो डिटेल नेगोशिएशन हुए होंगे इंडिया और तालिबान की लीडरशिप के बीच में, यहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करने के लिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अभी भी बहुत से इंडियन सिविलियंस अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट ही वहाँ पर बंद हो गए। हुआ ये कि जो काबुल एयरपोर्ट है, इसमें एकदम से बहुत सारे लोग घुसाए। अब एक तो ये बहुत सारे लोग भाग रहे थे, सिविलियन एयरक्राफ्ट के ऊपर चढ़ रहे थे, दो तीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुए, उस पर से लोग गिर गए, ये सब तो आपने देखा ही होगा वीडियोस में। तो यूएस मिलिट्री ने यहाँ पे इंटरवीन किया और कुछ समय के लिए टेम्परेली जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था इसके ऊपर यूएस ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा करना ज़रूरी था क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी कंट्री का जो एयर स्पेस होता है, वहाँ पर जो भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे होते हैं, उन एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन दिखाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि उस एयरक्राफ्ट में, उसी एयर स्पेस में जो दूसरे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनके साथ वो एयरक्राफ्ट टकरा ना जाए। तो एटीसी में किसी ना किसी का बैठना ज़रूरी है, तो अमेरिकन को वहाँ पे बैठना पड़ा क्योंकि जो यहाँ का लोकल स्टाफ था वो भाग गया था। तो अभी के लिए जो काबुल का एयरपोर्ट है उसके ऊपर अमेरिकन ने कंट्रोल कर रखा, और अमेरिकन का केवल इतना काम है कि डिप्लोमेट्स को यहाँ से इवैकुएट करो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो डिप्लोमेट है वो एम्बेसी से निकल के अगर एयरपोर्ट आएगा तो बीच में तो तालिबान खड़ा है ना, उसके साथ क्या करोगे। और यही हुआ 15 और 16 अगस्त की रात को। आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त को एकदम से न्यूज़ आई कि जो तालिबान है वो गेट पे पहुंच चुका है अफगानिस्तान के, अंदर नहीं गया शहर के। फिर एकदम से अंदर घुसना शुरू हुआ, एकदम से डिप्लोमेट्स हड़बड़ी में भाग रहे थे। अब सारी सड़कों पे चक्का जाम था, तालिबान अंदर घुसाया था। 15 अगस्त की नाइट को या फिर कह लीजिए 16 अगस्त की मॉर्निंग को इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ से भी आप कह सकते हो कि 45 इंडियन पर्सनल्स का जत्था निकला। आपको पता होना चाहिए एम्बेसी में बहुत लोग होते हैं, केवल 45 लोग नहीं होते हैं। और ये जो हाईली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन है ना, ग्रीन जोन मतलब वो लोग जहाँ पे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े एम्बेसीज होती हैं, तो ये जो ग्रीन जोन होते हैं काफ़ी फोर्टिफाइड होता है। अब अफगान डिफेंस फोर्सेज गिर गई थी, हमारी ITBP के पर्सनल्स थे वहाँ पे जो कि वहाँ पे सिक्योर कर रहे थे, बट मेन सिक्योरिटी तो वहाँ की सरकार की होती ना, अफगानिस्तान की मेन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और अफगानिस्तान की सरकार गिर गई है, उनके जो भी डिफेंस पर्सनल से वो भाग गए, तो ओवरऑल ही जो ग्रीन जोन था ये ब्रीच हो चुका था, इसमें तालिबानी घुस चुके थे। और ऐसा कहने में आ रहा था कि जो इंडियन एम्बेसी थी इसके ऊपर तालिबानी बहुत ध्यान से नज़र रख रहे थे। तो 15 अगस्त की रात को आप कह लो लगभग 45 लोग इंडियन एम्बेसी से निकले एयरपोर्ट जाने के लिए, और ऐसा बोला गया कि रास्ते में उनको तालिबान ने रोक लिया। अब रास्ते में रोका वो कैसे छूटे ही अपने आप में एक बहुत रोमांचक कहानी होगी, ये कहानी केवल उनको पता है जो कि आ रहे थे। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस कहानी के ऊपर से पर्दा उठे, ठीक है। तो कुछ भी उनके साथ नेगोशिएशन हुआ, तो इन तालिबानियों ने क्या किया कि जो 45 लोग इंडियन एम्बेसी से निकल के एयरपोर्ट जा रहे थे, इनका सारा सामान वगैरह छीन लिया, इनकी जो भी कॉस्टली आइटम्स होंगे छीन लिया, और इन्होंने भी दे दिए होंगे उनको, चलो इनसे जान छूटे। फाइनली ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और निकल गए। लेकिन पहली फ्लाइट के बाद जो दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी ना वो मुश्किल हो गई। एक और बात बता दूँ, एक शाहीर वीज़ा एजेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में सुना होगा कि मान लो अगर आपको यूरोप वगैरह के वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो VFS में आपको अप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको अफगानिस्तान में हो, अफगानिस्तान के नागरिक, और इंडिया का वीज़ा अप्लाई करना, तो शाहीर वीज़ा एजेंसी जाना पड़ेगा। तो शाहीर वीज़ा एजेंसी में तालिबानी घुस गए, तोड़फाड़ डाला सब कुछ, इंडियन एम्बेसी के ऊपर भी तालिबानी नज़र रख रहे थे। तो पहले 45 का जत्था तो जैसे तैसे करके निकल गया, लेकिन जो दूसरे 45 लोगों का जत्था था इसको निकलने में प्रॉब्लम हो गई। ऐसा बोला गया कि भारत सरकार ने बहुत निगोशिएशंस किए हैं यहाँ पे तालिबान के साथ अपने इस दूसरे जत्थे को वहाँ से निकालने के लिए। अपने आप में काफ़ी मुश्किल टास्क हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि तालिबान की कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं है, कोई प्रॉपर कमांड नहीं है। होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक पर्टिकुलर इलाके में कोई सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है तो वो एरिया वाइज डिप्लॉयड होगी, उस पर्टिकुलर एरिया का एक कमांडर होगा और वही सारे ऑर्डर्स इशू करेगा। तो यहाँ पे एम्बेसी से निकल के एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए ऑर्डर लेना किससे, कौन तालिबान का एग्जैक्ट कमांडर है वहाँ पे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। प्लस इंडिया के जो तालिबानी नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, पाकिस्तान और आप कह सकते हो USA जितने डीप नहीं होंगे। तो ये जो सेकेंड जत्था था हमारा एम्बेसी ऑफिशियल्स का, जिसमें हमारे इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान रुपेंद्र टंडन भी थे, इनको इवैकुएट करना बहुत ज़रूरी था। आप सोचिए यहाँ पे एम्बेसी के ऑफिशियल्स की बात हो रही है, आम आदमी तो अभी आप पहुँचे ही नहीं हो, आम आदमी जो इंडिया के हैं वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, वो अभी भी वहाँ से निकले नहीं हैं। तो रुपेंद्र टंडन और बाकी एम्बेसी ऑफिशियल्स ये काबुल में फंसे हुए थे, इनको इवैकुएट करना था।
ऐसा बोला गया है कि 24 घंटे के लिए नेगोशिएशंस चले हैं तालिबान के साथ, यूएसए ने भी मदद की है, तब जाके हमारे C-17 के ऊपर ये पर्टिकुलर लोग बैठे और उड़े जामनगर में लैंड किए और दिल्ली अब तक शायद पहुंच गए होंगे। तो इतनी मुश्किल से डिप्लोमेट्स को वहां पे इवैक्यूएट किया है। बैक एंड से आप कह सकते हो कि यूएसए ने भी मदद किया है और तालिबान से भी 24 घंटे तक नेगोशिएशंस किए हैं, पैसे दिए, क्या दिए पता नहीं कि कौन सी शर्तों पर छोड़ा है तालिबान ने। एक और बात, इंडियंस के लिए सिविलियन फ्लाइटें बंद है। इंडियंस क्या मतलब, पूरी दुनिया में जो भी नागरिक आपके अफगानिस्तान में थे, सिविलियन नागरिक, उनका अफगानिस्तान से निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि यूएस ने सिविल फ्लाइट्स बंद कर दी। हो क्या रहा था कि जब भी कोई सिविल फ्लाइट काबुल के एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी ना, तो इस प्रकार का जत्था, इस प्रकार की भीड़ लग जा रही थी, आप देख ही पा रहे हो, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में दिखाया है। तो यूएस मिलिट्री ने क्या किया कि सिविलियन फ्लाइट्स ही बंद कर दी। यूएस मिलिट्री ने बोला कि सिविलियन फ्लाइट्स नहीं आएंगी तो ये लोग भी भीड़ में नहीं आएंगे, और केवल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को परमिशन दी। हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों आएंगे? मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो आपका एम्बेसी ऑफिशियल्स को ही लेने के लिए आएंगे, जो हमारे ITBP के पर्सनल्स वहाँ पे पोस्टेड थे, एम्बेसी के पर्सनल्स को बचाने के लिए उनको लेने आएंगे। तो अभी के लिए केवल डिप्लोमेट्स का इवैक्यूएशन चल रहा है और इस काबुल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, यूएस की मिलिट्री प्रोवाइड कर रही है। एक बार जब इन डिप्लोमेट्स का इवैक्यूएशन पूरा हो जाएगा तब सिविलियन फ्लाइट चलनी शुरू होंगी और उसके बाद आप कहोगे कि यहाँ पे सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाएगा। अब अपने आप में सिविलियन फ्लाइट्स में कौन सा पायलट इस पर्टिकुलर डेंजर जोन में आएगा, कैसे वो हमारे सिविलियंस को लेके जाएगा, ये अपनी एक अलग कहानी होगी इस समय। तो खुशखबरी ये कि डिप्लोमेट्स तो इवैक्यूएट हो गए। देखिए, डिप्लोमेट्स को तो ये पता था कि भारत सरकार इवैक्यूएट कर लेगी। दूसरी बात, जो भारत सरकार है उसके साथ कोई तालिबान का ऐसा पंगा भी नहीं है, ठीक है ना। तो डिप्लोमेट्स का इवैक्यूएशन तो होना ही था, लेकिन सिविलियंस का इवैक्यूएशन अपने आप में मुश्किल बात है। अभी के लिए एयरपोर्ट यूएसए की आर्मी के हाथ में है। अब किस हद तक तालिबान यूएसए की आर्मी को यहाँ पर रहने देता है, कब तालिबान यहाँ पे यूएस आर्मी को पुशबैक करता है, वैसे तालिबान लगता तो नहीं कि यूएस आर्मी को पुशबैक करेगा। रीजन भी कि तालिबान ऐसा कोई भी रीजन यहाँ पे पैदा नहीं करना चाहता जिसके बेसिस पे यूएस के सोल्जर्स वापस आए, लेकिन सिविलियंस का एक्सट्रैक्शन अभी भी रुका हुआ है। अलग अलग देशों के सिविलियंस वहाँ फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडियंस। अब ये कब तक बाहर निकलते हैं आप सोचिए, जस्ट इमेजिन आप एक सिविलियन हो और किसी काम की वजह से, किसी भी वजह से आप अफगानिस्तान गए और वहां पे ऐसी सिचुएशन में फंस गए। अब आपके पास वहां पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। डिप्लोमेट्स तो निकल लिए अपने, डिप्लोमेट्स तो निकल ही जाते हैं, उनके पास भारत सरकार की प्रोटेक्शन है, लेकिन एक सिविलियन कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। तो बहुत से इंडियन सिविलियंस वहां फंसे हुए हैं, लेट्स सी कि भारत सरकार उनको कैसे इवैक्यूएट करती है। हमारे भारत सरकार की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको इवैक्यूएट करना। तो क्या भारत सरकार अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजेगी उनको इवैक्यूएट करने के लिए, या फिर सिविलियन एयरक्राफ्ट जाके उनको इवैक्यूएट करेंगे, ये देखना बात है, जारी है। देखते हैं आगे क्या निकल गया था, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।